नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आप सभी का अपना स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में आज बात करते हैं प्रकाश पर्व दीपावली को लेकर। जी हां, संपूर्ण प्रदेश एवं देश में दीपावली पर्व को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में बात करें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित रामलला के मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन कर देश के मंगलमय की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या राम मंदिर में जाकर रामलला के समक्ष दीप प्रज्वलन कर संपूर्ण राष्ट्र की मंगलमय की कामना की। इसी क्रम में प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी समस्त प्रदेशवासियों के लिए अपने वीडियो संदेश के माध्यम से दीपोत्सव दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित की। वहीं इसके अलावा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित रामलीला मंचन भी विभिन्न जगह आयोजित किए गए। इस क्रम में बात करूं हृदय नगरी सैया की, तो सैया में 5 दिवसीय रामलीला का आयोजन किया गया। इस 5 दिवसीय रामलीला के प्रथम दिन के उद्घाटनकर्ता के तौर पर अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए विभिन्न मंचों से सम्मानित हो चुके और हाल ही में प्रदेश के संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज द्वारा सम्मानित हुए चक्राता विद्युत विभाग के SDO अशोक कुमार ने उद्घाटन किया। प्रथम दिन अशोक कुमार द्वारा उद्घाटन करने के पश्चात दूसरे दिन के मुख्य अतिथि के तौर पर सैया में ग्राम पंचायत की प्रधान प्रीति चौहान मौजूद रही और प्रीति चौहान ने दूसरे दिन रामलीला का उद्घाटन किया। इसी क्रम में तीसरे दिन अगर बात करें तो ठेकेदार संगठन के अध्यक्ष रणबीर राय ने रामलीला मंच का उद्घाटन किया और मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। वहीं सैया में आयोजित इस 5 दिवसीय रामलीला के चौथे दिन कुंवर सिंह गुरुजी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे और उन्होंने रामलीला मंचन का उद्घाटन किया। बात करें अंतिम दिन की, तो अंतिम दिन 5 दिवसीय रामलीला के इस अंतिम दिन के मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष अमर सिंह चौहान मौजूद रहे और अमर सिंह चौहान ने अंतिम दिन मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इसी के साथ ही 5 दिवसीय रामलीला का समापन हुआ और समापन का भव्य और दिव्य तरीके से रामचंद्र जी के राज तिलक के साथ समापन किया गया। रामलीला के समापन के अवसर पर बड़े ही भव्य और दिव्य तरीके से रामलला के राज्याभिषेक की भी तैयारी की गई थी। राज्याभिषेक के दौरान संपूर्ण बाजार से होते हुए रामलला की झांकियां निकली, जिसमें की बड़ी संख्या में राम भक्त एवं श्रद्धालुगण भी उपस्थित रहे। सैया में आयोजित इस 5 दिवसीय रामलीला के अवसर पर पांचों दिन बड़ी संख्या में रात भर रामलीला को देखने के लिए स्थानीय लोग मौजूद रहे। राम भक्त एवं श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। खासतौर पर बात करें तो मात्र शक्तियों में रामलीला के प्रति खासी दिलचस्पी दिखी और 5 दिवसीय इस रामलीला के दौरान विभिन्न अन्य प्रस्तुतियों ने भी उपस्थित लोगों का खूब मनोरंजन किया। बच्चों से लेकर अन्य कलाकारों ने अपनी सुंदर प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। 5 दिवसीय इस रामलीला के सफल समापन के लिए रामलीला कमेटी के अध्यक्ष SS बिष्ट ने समस्त कार्यकर्ताओं का आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा, भविष्य में और भी बेहतर से बेहतर तरीके से रामलला की इस रामलीला के आयोजन की कोशिश की जाएगी, जिससे कि रामलीला जैसे धार्मिक आस्थाओं से जुड़े कार्यक्रमों के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढ़े। आइए जानते हैं इस सफल आयोजन को लेकर क्या कुछ कहा अध्यक्ष SS बिष्ट ने और साथ में जानते हैं मंच संचालन सुभाष भाटी की प्रतिक्रिया और साथ में सुनाते हैं आपको प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रकाश पर्व दीपावली पर्व खास संदेश। सर, मैं सबसे पहले तो आप चैनल वालों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने रामलीला को शुरू से लेकर अंतिम दिन तक आपने अपने चैनल के माध्यम से जो है क्या बोले दिखाने का काम किया है। मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें, तो मेरी पूरी टीम ही बधाई के पात्र हैं और मैं सभी पात्रों को और सभी कमेटी के सदस्यों को, छोटे से बड़े जितने भी हमारे जो सदस्य हैं, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरा बखूबी साथ निभाया। और इस बार थोड़ी सी जो कमियाँ रही है, बेहतर करने की हमने कोशिश की थी, लेकिन कुछ कमियाँ जो रही हुई है उसको हम अगले बार पूरी करेंगे और इससे भी बेहतर करने का मौका मतलब दर्शकों के बीच में दिया जाएगा और अच्छे से अच्छे दृश्य दिखाए जाएंगे। और आगे भी हमारी यही वो रहेगी कि हम आगे इससे बेहतर करेंगे। सर देखिए, ये सब कमेटी की जितने भी सदस्य हैं छोटे से बड़े, उनसे सबसे राय ली गई। और देखिए, पिछले बार मैं काफ़ी समय से जो ना इस न्यू एकता रामलला परिषद एवं सांस्कृतिक मंच मैं जो ना सदस्य के रूप में रहा हूँ और एक मुझे सीख जो मिली है ये मिली है कि हमेशा हमें जो प्राइज दिया जाता था वो
मतलब सही तरीके से नहीं हो पाता था और उसका जो गुणवत्ता है वो सही नहीं होती थी। इसीलिए हमने सबकी राय मशवरा लेके जो है ना, और जो संरक्षक है हमारे उनसे राय मशवरा लेके जो है ना, इस बार जो चांदी के जो सिक्के हैं वो हमने इस तरीके का गिफ्ट देने का पर विचार विमर्श किया और निर्णय इसी पर लिया कि श्री रामचंद्र जी के जो आदर्श, जो उनके रास्ते हैं आदर्श, उनके आदर्शों पर चलना है और आगे जो अपने द्वेष है, अपनी जो मन मिटाव है उसको भूलना है और आगे इससे भी अच्छी लीलाओं का मंचन करवाना है। धन्यवाद जी। बहुत ही सुंदर आयोजन इस बार इस रामलीला का। वैसे तो हर वर्ष इस पंडाल में लीला का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार की जो लीला है बहुत ही सुंदर आयोजन, हमारे अध्यक्ष श्री सुपर सिंह बीस जी की अध्यक्षता में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चला और आज राज्याभिषेक का अंतिम दिन है और आज भी बहुत ही सुंदर मंचन हमारे पात्रों द्वारा किया जा रहा है। जो हमारी लीला का जो शुभारम्भ था रावण तपस्या से शुभारम्भ था और पाँचवें दिन रावण वध तक, बिल्कुल पात्र हमारे आसपास के जितने भी गांव हैं, राजकीय इंटर कॉलेज साइयों में पढ़ने वाले बच्चे हैं वही पात्र होते हैं और पात्रता कंपटीशन होता है, उसके आधार पर जो अच्छा पात्र होता है उसी को उस रोल के लिए चुना जाता है। जी हाँ बिल्कुल, इस बार जो है जो कई वर्षों पहले यहाँ पर रामलीला का मंचन किया जाता था उसकी झलक इस बार जरूर दिखी और बहुत ही पात्रों का बहुत ही उम्दा प्रदर्शन इस बार रहा जी। बिल्कुल बिल्कुल, सांस्कृतिक आयोजन की वजह से जो हमारे जो पात्र थे उनके रोल काटे जाते थे, वो अपनी जो पूरी प्रस्तुति मंच पर नहीं दे पाते थे, इस कारण इस बार सांस्कृतिक विभाग हो या सूचना विभाग से दलों को आमंत्रित तो नहीं किया गया। प्रिय प्रदेशवासियों, आप सभी को दीपावली के इस पावन दीपोत्सव पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति और सामाजिक सद्भावना के प्रतीक इस ज्योति पर्व पर माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद आप सब पर सदैव बना रहे। आज के इस शुभ अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि इस दीपावली पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के मंत्र को हम आत्मसात करें। हम स्थानीय उत्पादों के प्रचार एवं प्रसार को अधिक से अधिक बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की पूर्ति में अपना योगदान अवश्य करें। एक बार पुनः आप सभी को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय श्री राम। आज की खास खबर में फिलहाल इतना ही। आज के लिए बने रहेगा डीसीपी न्यूज के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।